किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसका आखिर भी अच्छा ही होता है इस वीडियो की शुरुआत अपने सब्जेक्ट के साथ यानी कि ये पिंक कलर का प्यारा सा हिबिस्कस गुड़हल वालेकुम फ्रेंड्स ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट मैंने लिया था तो रात हो चुकी थी दो फूल उसमें खिले हुए थे दोनों गिर गए हैं और दूसरे दिन इसमें दो फूल और खिल गए हैं काफ़ी सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं मैंने दो प्लांट हिबिस्कस के परचेज किए हैं घर के सामने ही और इसके प्राइस फिफ्टी रुपीज़ हैं पर इस प्लांट में एक प्रॉब्लम है वो है इसकी जड़ें ग्रो बैग से बाहर निकल आई हैं नर्सरी पर तो इन ग्रो बैग्स को मिट्टी के ऊपर रखा जाता है तो जैसे जैसे जड़ें डेवलप होती हैं वो मिट्टी के अंदर एडजस्ट होने लगती हैं और जब ये बेचने वाले लोग पौधों को गली गली लेकर जाते हैं तब वो उन ग्रो बैग्स को उठा कर लाते हैं जड़ें तोड़कर। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अभी इसको रिपोर्ट नहीं करना है अभी मुझे इसको धूप में भी नहीं रखना है इसीलिए मैंने यहीं बालकनी पर इसको रख दिया है एक गमले की मिट्टी के ऊपर ताकि उसकी नमी इसकी जड़ों को मिलती रहे और इस ग्रो बैग में भी थोड़ा थोड़ा सा पानी देते रहेंगे और इसको तीन चार दिन तक रखेंगे ताकि ये हमारे घर के माहौल में एडजस्ट हो जाए तुरंत अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए यहाँ पर एक और मैंने ये जो प्लांट लिया है हिबिस्कस का ही है पर इन फूलों का कलर ब्लू है थोड़ी सी कली अभी खुल रही है लेकिन इसमें रूट्स बाहर नहीं हैं तो इसको तो हम रिपोर्ट कर देंगे फ़िलहाल जल्दी ही इस ब्लू हिबिस्कस के भी प्राइस फिफ्टी रुपीस है साथ में मैंने कुछ कंपोस्ट भी ख़रीदी है हिबिस्कस इतने खूबसूरत फूल होते हैं लेकिन ये रहते एक ही दिन हैं दूसरे दिन मुरझा जाते हैं तो चार दिन हो चुके हैं चार दिन के बाद आज मैं आपके साथ रिपोर्टिंग शेयर करूंगी अपने पिंक हिबिस्कस की और ब्लू हिबिस्कस की रिपोर्टिंग मैं कर चुकी हूं आपके साथ शेयर तो वो प्लांट भी मैं दिखाऊंगी कि उसकी कंडीशन क्या है इन चार दिनों में लगातार ब्लूमिंग की है एक या दो फूल खिलते ही रहे हैं अभी भी दो कलियां खिलने को तैयार हैं और एक फूल खिला हुआ है इस बीच दो दिन तक तो बारिश होती रही तो बालकनी पर थोड़ा थोड़ा पानी इस प्लांटर में भी जाता रहा जिससे कि नमी मौजूद रही लेकिन आज तो बारिश नहीं हुई पत्तियाँ थोड़ा सा मुरझाई हुई थी तो मैंने इस ग्रो बैग में आधा ग्लास पानी डाल दिया था अब इसकी पत्तियाँ फिर से हरी भरी हो गई हैं ये देखिए जड़ें इसकी सिर्फ रखा हुआ है तो अब हम इसको रिपोर्ट कर लेते हैं अब इन ये चल जाएगा और इसको बिल्कुल भी मरने का डर नहीं है तो बालकनी से लेकर चलते हैं इस प्लान को और आ गए हैं हम टेरेस पर यहीं पर प्लांटर भी हमारा रेडी है मिट्टी भी रेडी है ये कटिंग से ग्रो किया हुआ लॉलीपॉप प्लांट है ये है चमेली येलो वाली और यहाँ पर है हमारा प्लांट जिसकी मिट्टी रेडी है आपको फिफ्टी परसेंट सेंड लेना है फिफ्टी परसेंट सॉइल लेना है थर्टी परसेंट कम्पोस्ट ऐड करना है कोई भी काउडंग गोट मेनोर या वर्मी कम्पोस्ट राइस हस्क मिलाइए हल्दी पाउडर डालिए या चारकोल पाउडर डालिए बस इस तरह की मिट्टी में आपको ग्रो करना है ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट ग्रो बैग कट करके हमने निकाल दिया है आप देख सकते हैं कि जो भी इसकी स्टेम है वो मिट्टी छोड़ चुकी है तो इसको अभी रिपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी थोड़े दिन बाद नहीं तो इसकी मिट्टी भसकने लगती पानी भी ठीक से ना पड़ पाता और हो सकता है कि प्लांट हमारा चला जाता बाउल को बिना डिस्टर्ब किए ही इसको अच्छे से सेट कर दीजिए मिट्टी भी दबा दीजिए ताकि ये पकड़ ले स्टेम को और साइड से जो मिट्टी बची है वो मैंने निकाली हुई थी उसको वापस इसी में डाल देते हैं थोड़े दिन बाद इसकी मिट्टी आपस में सेट हो जाएगी जैसे जैसे वाटरिंग करेंगे इसकी मिट्टी सॉफ्ट होकर प्लांटर की मिट्टी में मिक्स एंड मैच हो जाएगी देखिए मिट्टी गीली है तो अच्छे से ये सेट हो जा रही है रूट बाउल के इर्द गिर्द इसको चढ़ा दीजिए स्टेम के पास थोड़ा थोड़ा और फिर पानी डाल दीजिए मौसम आजकल ठीक है और अगर बारिश हो जाती है तब तो बहुत अच्छा है ये खुद ही ग्रो होने लगेगा पानी पाकर बारिश का लेकिन अभी थोड़ा डाल देते हैं अभी तो बरस नहीं रहा है ना आसार हैं बरसने के रिपोर्टिंग तो डन है अब आप साइड में ये जो ग्रीन प्लांटर देख रहे हैं इसकी शेयरिंग मैंने आपके साथ की है जिसमें ब्लू कलर का हिबिस्कस लगाया हुआ है और फूल इसमें खिल ही रहे हैं तीन चार पाँच दिन से लगातार तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि प्लांट्स अभी हेल्दी है और ये कलियाँ जो बनी हुई हैं ये भी धीरे धीरे खिलती जाएंगी इस ब्लू हिबिस्कस के खिलने का इंतज़ार है मुझे कली थोड़ी थोड़ी खिल रही है लेकिन रिपोर्टिंग के बाद कुछ पत्तियाँ येलो हो गई हैं पर हो सकता है कि ये ठीक हो जाए फ्रेंड्स ये रिपोर्टिंग कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़